किस्सा शिवरानी देवी और मुंशी प्रेमचंद के रोचक किस्से। शिवरानी देवी को कहानियां लिखते देख प्रेमचंद खूब खुश होते। उससे भी अधिक खुश तब होते जब उनकी कहानियों का अनुवाद किसी दूसरी भाषा में होती। एक दिन प्रेमचंद ऑफिस की चांद पत्रिका में उनकी लिखित कहानी पढ़े तो घर आते ही शिवरानी से बोले, अच्छा तो अब आप भी लेखिका बन गई। लोटे में पानी देखते हुए शिवरानी कहती है, हमारी इच्छा, मैं भी मजबूर हूँ, अब आदमी अपने भाव को कहाँ रखे। फिर दोनों आंचलकिता भाषा ओढ़े एक साथ हंसने लगे। कई बार ऐसा भी होता जब कहानी का प्लाट ढूंढने के कारण शिवरानी को नींद नहीं आती, तब प्रेमचंद करवट बदलते हुए कहते हैं, तुमने क्या अपने लिए एक बला मोल ले ली? आराम से रहती थी, अब फिजूल का एक झंझट खरीद ली हो? तब शिवरानी बदले में बोलती है, आपने नहीं बला मोल ले ली, मैं तो कभी कभी लिखती हूँ, आपने तो अपना पैसा बना रखा है। फिर दोनों एक साथ खिलखिला उठते हैं। किस्मत का खेल कभी नहीं जाना जा सकता। कई बार खुशियां दम घोंट कर पन्ने में दर्ज हो जाती हैं। शिवरानी देवी पुस्तक प्रेमचंद घर में लिखती भी हैं कि आज वे होते तो कुछ और ही बात होती। लिखना पढ़ना तो उनका काम ही था। मैं यह नहीं लिख रही हूँ कि बल्कि शांत पानी का एक बहाना ढूंढ रही हूँ। 200 वर्ष की पुरानी बातें यह करके याद मेरा दिल बैठ जाता है। मेरे वश में है ही क्या? हाँ, पहली बातों को सोचकर मुझे नशा सा हो जाता है। उस नशे से कोई उत्साह नहीं मिलता बल्कि एक तड़पन सी पैदा होती है। अब बस बीती बातों को याद करके मन बदला लेती हूँ। जब मैं स्कूल में रहता हूँ तभी नौकर रहता है, बाद में मैं अपने घर का बादशाह बन जाता हूँ। उन दोनों उन दिनों मुंशी प्रेमचंद शिक्षा विभाग के डिप्टी इंस्पेक्टर थे। एक दिन इंस्पेक्टर स्कूल का निरीक्षण करने आया। उन्होंने इंस्पेक्टर को स्कूल दिखा दिया। दूसरे दिन वह स्कूल नहीं गए और अपने घर पर ही अखबार पढ़ रहे थे। जब वह कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे तो सामने से इंस्पेक्टर की गाड़ी निकली। इंस्पेक्टर को उम्मीद थी कि प्रेमचंद कुर्सी से उठकर उसको सलाम करेंगे, लेकिन प्रेमचंद कुर्सी से हिले तक नहीं। यह बात इंस्पेक्टर को नागवारा गुजरी। उसने अपनी अर्दली को मुंशी प्रेमचंद को बुलाने भेजा। जब मुंशी प्रेमचंद गए तो इंस्पेक्टर ने शिकायत की कि तुम्हारे दरवाजे से तुम्हारा अफसर निकल जाता है तो तुम सलाम नहीं तक नहीं करते हो। यह बात दिखाती है कि तुम बहुत घमंडी हो। इस पर मुंशी प्रेमचंद ने जवाब दिया, जब मैं स्कूल में रहता हूँ तब तक ही नौकर रहता हूँ, बाद में मैं अपने घर का बादशाह बन जाता हूँ। दोस्तों, ये किस्सा कैसा लगा मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।